गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, कल की कंप्यूटर की क्लास में हमने लेसन 4 हैंडलिंग अ कंप्यूटर माउस स्टार्ट किया था। हैंडलिंग अ कंप्यूटर माउस, आई होप आप सभी बच्चों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो माउस है वो भी कंप्यूटर का ही एक पार्ट है और एक ये रियल चूहे की तरह दिखाई देता है, और इसमें जो एक वायर होती है वो चूहे की पूंछ की तरह लगती है। और हमने पढ़ा था इसमें कि माउस टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर माउस, कि जो कंप्यूटर के माउस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक टू बटन माउस। जैसे कि टू बटन माउस, तो टू बटन माउस है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टू बटन्स होंगे, है ना। जिस माउस में टू बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, उसे हम टू बटन माउस कहते हैं। और होता है हमारा थ्री बटन माउस। थ्री बटन माउस, जिस माउस में थ्री बटन्स होते हैं उसे हम थ्री बटन माउस कहते हैं। उसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड उनके बीच में एक होता है मिडिल बटन, ठीक है, इसे थ्री बटन माउस कहते हैं। तो हमने कल इसमें यहाँ तक हमने पढ़ा था टू बटन माउस एंड थ्री बटन माउस। आज की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिमेनिंग पार्ट है आपका स्क्रोल माउस। कौन सा है? स्क्रोल माउस। अब सभी बच्चों ने इसे ध्यान से देखना है, पढ़ना है। अ माउस विद अ स्क्रोल व्हील इन द मिडिल ऑफ द लेफ्ट बटन and the right button is called a scroll mouse. A mouse with a scroll wheel मतलब होता है पहिया, छोटा सा व्हील होता है इसमें, स्क्रोल जो घूमता रहता है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो घूमता है, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द लेफ्ट बटन एंड द राइट बटन, और कहाँ होता है ये स्क्रोल व्हील? ये रहा स्क्रोल व्हील देखो, और ये कहाँ होता है? लेफ्ट बटन एंड राइट बटन के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? लेफ्ट बटन एंड राइट बटन के बीच में होता है। जैसे कि थ्री बटन माउस में लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच में मिडिल बटन होता है ना, ये देखो। लेकिन स्क्रोल माउस में थोड़ा चेंज है, इसमें एक व्हील की तरह होता है, छोटा सा पहिए की तरह होता है, जिसको हम इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है। तो इस वाले माउस को हम कहते हैं स्क्रोल माउस, SCROLL स्क्रोल माउस। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? यू कैन मूव अ पेज अप एंड डाउन, हम इसे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। मूव मीन्स ऊपर आगे पीछे करना, मूव मीन्स हिला सकते हैं। अ पेज, एक पेज को अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं बाय मूविंग दिस व्हील, इस वाले व्हील की हेल्प से। जो ये स्क्रोल व्हील है ना, इसको ऐसे ऐसे करके हम एक पेज के ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला फंक्शन ऑफ द स्क्रोल व्हील। अब आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रोल व्हील्स, स्क्रोल माउस। जो आपके स्क्रोल माउस होते हैं ना, ये भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। आप इस वाले पिंक वाले बॉक्स में देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको स्क्रोल व्हील दिए गए हैं, स्क्रोल माउस। फर्स्ट है आपका बॉल माउस, BALL बॉल, MOUSE माउस, बॉल माउस। बेटा, बॉल माउस से ही हमें पता चल रहा है कि बॉल, BALL बॉल, इट हैज़ ए बॉल अंडर इट, इसके अंदर एक बॉल होती है। ये देखो, दिखाई दे रही है? जब हम माउस को पलटेंगे ना, इसके अंदर एक बॉल होती है। अब ये बॉल क्या करती है? दिस बॉल हेल्प्स टू मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो ये जो बॉल माउस है, इसकी जो बॉल है ना, ये अब काम करती है, ये हिलती है, जो मूव करती है, जो बॉल है वो ऐसे ऐसे करके जब गोल गोल हिलती है ना, तो वो माउस का जो पॉइंटर है उसको स्क्रीन होता है ना आपका, मॉनिटर रहता है उसके, उसमें जो आपको पॉइंटर नज़र आता है। कल बताया था मैंने आपको, पॉइंटर एक एरो की तरह दिखाई देता है,
वो उसको मूव करती है, आपको जिस वर्ड पे लेके जाना है वो उस वर्ड पर उसको स्क्रीन पर लेकर जाती है। तो बॉल माउस में बॉल ही माउस को चलाती है, ठीक है। अगला है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, ये रहा ऑप्टिकल माउस, इसमें बेटा लाइट जलती है। इट यूजेस लेज़र लाइट इंस्टेड ऑफ अ बॉल, ये इसके अंदर लेज़र लाइट यूज़ की जाती है फॉर मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर। माउस के पॉइंटर को मूव करने के लिए इसमें लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। जैसे इसमें बॉल यूज़ की जा रही थी, इसमें व्हील यूज़ किया जा रहा था, इसमें आपकी लेज़र लाइट मूव काम करती है, ठीक है। लेज़र लाइट पॉइंटर को मूव करती है, इधर उधर घुमाती है। नेक्स्ट है आपका वायरलेस माउस। वायरलेस, वायरलेस से ही समझ आ रहा है, यानी वायर तार लेस, बिना तार का माउस, जिसमें तार कनेक्टेड नहीं हो। इट इज़ नॉट अटैच्ड टू द कंप्यूटर थ्रू अ वायर, इसमें कोई तार नहीं होती। देखो बेटा इसमें एक छोटी सी तार दिखाई गई है, इसमें भी पीछे एक हल्की सी तार की डॉट दिखाई गई है, यहाँ तार होती है ना, बट जो वायरलेस माउस होता है इसमें कोई तार नहीं होती, ठीक है। ये बिना तार का माउस होता है, इससे कोई भी तार कंप्यूटर से अटैच नहीं होती। अभी एक फिर बिना तार से कैसे यूज़ काम करेगा, वर्क कैसे करेगा, देखिए। इट यूज़ सिग्नल्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ये सिग्नल से काम करता है। जैसे आपका मोबाइल काम करता है ना, मोबाइल में कोई तार कनेक्टेड नहीं होती है बट सिग्नल होता है, तो ये वाला माउस जो है ये भी आपका सिग्नल से काम करता है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस में, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड वायरलेस माउस। बॉल माउस में बॉल वर्क कर रही है, मूव करती है पॉइंटर को। ऑप्टिकल माउस में लेज़र लाइट होती है जो पॉइंटर को मूव कराती है। एंड वायरलेस माउस, ये आपका बिना तार का माउस होता है, इसमें कोई तार कनेक्टेड नहीं होता, अटैच नहीं होता कंप्यूटर से, और ये किससे काम करता है, सिग्नल से काम करता है। अब आगे आ जाइए बेटा, टच पैड माउस। टच पैड माउस क्या होता है, द टच पैड माउस इज़ जनरली यूज इन अ लैपटॉप। आप लोगों ने लैपटॉप देखा होगा ना, उसके साथ तो कोई माउस नहीं आता, उसकी ऐसे स्क्रीन हम खोलते हैं और ऐसे फिंगर इस पर घुमाते रहते हैं, तो ये टच पैड, यानी टच करते हैं हम अपनी उंगली को, और जहाँ हमें जो भी काम करना है हम टच करके करते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है माउस, ये वाला लैपटॉप में होता है, ओके, ये लैपटॉप में ये वाला माउस है। तो बेटा हमने आज पढ़ा है लैपटॉप तक, आज ही हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस पढ़े, सभी बच्चों ने इसे ध्यान से पढ़ना है, ओके। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।